Assalamualaikum, Welcome to my channel Horror Center. तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल हमजात की एपिसोड नंबर 17। हमें तुमसे यही तवक्का है जिल्लुर रहमान, अमीर ने जवाब दिया। अहदो पमा की वो रात गुजरी तो मेरी जिंदगी में एक नई दौर का आगाज हुआ। अब मैं एक दूसरा ही आदमी था, उस शेख करामत से कतई मुख्तलिफ जो सिर्फ अपने लिए जिंदा था। मुझे अब अपनी जिंदगी बामायनी और बामकसद नजर आने लगी थी। हमजाद ने मुझे तंजीम के बारे में काफ़ी सवालातों के जवाबात दे दिए थे। हमजाद ने मुझे बताया था कि तंजीम के अफराद खुद भी एक दूसरे के असल नामों से नावाकिफ हैं और उन सब के जो इस्लाही नाम तंजीम का अमीर तजवीज़ करता है उसी से वो एक दूसरे को पुकारते हैं। ये लोग तंजीम के अफराद को खिदमतकार या जिहादी के लकब से याद करते हैं। तंजीम के बारे में बहुत सी अहम मालूमात थीं जो हमजाद ने उस रात की सुबह ही हासिल कर ली थी जब मैंने अहदनामे पर अपने खून से दस्तखत किए थे। अब एक अहम मसला ये था कि अगर तंजीम के बारे में ये तमाम इत्तला जब्बार के जरिए अंग्रेजों तक पहुंच गईं तो क्या होगा, क्योंकि जिस तरह अपने हमजाद के जरिए मैंने तंजीम से मुतल्लिक सब कुछ मालूम कर लिया था, इसी तरह जब्बार भी हमजाद को काम लाकर ये सब इत्तला फराहम कर सकता था अंग्रेजों को। ये सूरत हाल जाहिर है फिर बे इंतहा खतरनाक हो सकती थी। तंजीम की बरसों की मेहनत खाक में मिलने का अंदेशा था। मैंने अपने हमजाद से मशवरा करना ज़रूरी समझा। मैं जिस उलझन और परेशानी का शिकार हूँ वो यकीनन तुमसे छुपी हुई ना होगी। क्या यूँ मुमकिन है कि अंग्रेज़ मुजाहिदीन की सरगर्मियों से ला इल्म रहे, क्योंकि इन हालात में ये बहुत ज़रूरी है। इसकी सिर्फ एक ही सूरत है और वो ये कि मैं हर वक्त जब्बार के हमजाद को उलझाए रखूँ। ऐसी सूरत में ये होगा कि मैं आपके लिए कतई बेकार होकर रह जाऊँगा। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप फिर मुझसे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, इस बात को मैं ज़रा वजाहत से कह दूँ कि जब्बार का हमजाद फिर उसके लिए बेकार होकर रह जाएगा, मगर उसके साथ साथ मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। लेकिन अगर मुझे तुम्हारी किसी मामले में ज़रूरत पड़ी तो इस सूरत में ये होगा कि जब्बार का हमजाद भी उसका हर हुक्म सुनने और उसे पूरा करने के लिए आज़ाद होगा, गोया चोट बराबर की होगी। खैर, उस वक्त जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल आपका ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेज़ों को मुजाहिदीन की सरगर्मियों से बेखबर रहना चाहिए। इस दौरान मैंने अपने हमजाद को जब्बार के हमजाद पर नज़र रखने के लिए कहा और कहा कि अगर जब्बार का हमजाद किसी ख़तरनाक मिशन पर रवाना हो तो फौरन बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसकी राह में हायल हो जाओ और उसको उसके मकसद में कभी कामयाब ना होने दो। फिर एक दिन अमीर अब्दुल रहमान ने बताया कि यहाँ से तंजीम के नुमाइंदों की एक जमात सरहद के लिए रवाना होगी जिसकी क़यादत मलका करेगी। नाहिद को कलकत्ता से रवाना हुए 2-3 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बेताबियाँ भरने लगीं। मुझे ऐसे लगा जैसे नाहिद से बिछड़े हुए सदियाँ गुजर गई हों। बार बार मुझे वो मंजर याद आ जाता जब उसे भेजते वक्त मैं खुदाफिस कह रहा था तो उसने मुझे कहा था कि तुम मुझे हमेशा याद रखना, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी, अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। फिर एक तवील अरसे तक हमजाद के ज़रिए मैंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तंजीम के लिए बहुत मदद इमदाद की। एक बार तो जब्बार ने अपने हमजाद के ज़रिए मलका को कैद भी कर लिया था। जब्बार मलका को अपनी हविस का निशाना बनाना चाहता था, लेकिन मेरे हमजाद ने उसको अपने मकसद में नाकाम कर दिया और मलका को उसकी कैद से छुड़ा लिया। मलका अब तक तो ये जान गई थी कि मेरे पास कुछ ऐसी पुरसरार कुवतें हैं जिनके ज़रिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मलका यानी नाहिद तंजीम के मुजाहिदीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों की हिफाजत करते हुए अंग्रेज़ फौजियों से लड़ती रही। अमीर से इजाज़त लेकर मैं भी उनके साथ शामिल हुआ। एक दफ़ा मलका यानी नाहिद मेरे कुछ करीब आ गई। वो मुझे कुछ बातें बता रही थी। उस वक्त मुझे अपने जिस्म में बिजलियां सी कूदती हुई महसूस हुई। मेरे वजूद में सोया हुआ शैतान जागने लगा। जिस शेख करामत को मैंने थपकियां दे देकर सुलाया था अब वो बेदार हो रहा था। मैंने एक खुद फरामोशी किसी कैफियत में उसके नरम मुलायम हाथ को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसका हाथ मेरे होंठों तक पहुँच गया। मेरी आँखें बंद थीं। शेख, तुम हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझे समझने की कोशिश करो नाहिद, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बको मत, तुम मेरे मोहसिन ज़रूर हो। तुमने मुझे जब्बार से आज़ाद कराया था, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कभी नहीं दूंगी कि तुम मुझे मेरे मकसद से भटका दो। इससे हमारे मकसद पे क्या फ़र्क पड़ता है? हम दोनों बहरहाल तंजीम के लिए काम करते रहेंगे। मेरी ज़िंदगी का अव्वल व आखिर मकसद सिर्फ और सिर्फ तंजीम के लिए काम करना है, और कुछ नहीं, समझ गए? अगर मुझे यही सब कुछ करना होता ना तो कभी मैं ये ज़िंदगी कबूल ना करती। ये मेरे लिए बहुत आसान था, मगर मेरी आंखें अभी वो मंजर नहीं भूली जब अंग्रेज़ दरिंदों ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया था। एक तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ नहीं हुआ,
न जाने कितने घराने ऐसे हैं जो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन वक्त एक ऐसा मरहम है ना जो रफ्ता रफ्ता हर जख्म को भर देता है। तुम्हें बहरहाल अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करना है। तुम जवान हो और जवानी के कुछ और भी तो तकाजे होते हैं ना, जिन्हें हर हाल में पूरा होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बातों से नफरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे मोहसिन ना होते तो मैं तुम्हारी गुस्ताख जुबान खींच लेती जो मेरी जवानी के तकाजे मुझे बता रही है। तुम में और उस दरिंदे जब्बार में आखिर फ़र्क ही क्या है जो मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी हविस का शिकार बनाना चाहता था। नाहिद, अगर मैं चाहता ना तो मैं कब का अपने मकसद में कामयाब हो सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी। मोहब्बत? अगर इसी को तुम मोहब्बत कहते हो ना तो मैं 100 बार लानत भेजती हूँ। ये कहकर वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गई। मैंने उसे आवाजें दी मगर वो लौटी ना। अब मैं मकान में अकेला था। नाहिद ने मेरी सख्त तोहीन की थी, उसने मेरी मोहब्बत को हकारत से ठुकरा दिया था। मैं अपने अंदर पैदा होने वाली नई तब्दीली के बारे में सोचने लगा। मैंने जब नाहिद को जब्बार की कैद में देखा था उसी वक्त मेरे अंदर सोया हुआ शेख करामत जाग उठा था और जिल्लुर रहमान सो गया था। वो जिल्लुर रहमान जो तंजीम मुजाहिदीन का सरगर्म रुकन था और कभी ख्वाब में भी नाहिद के साथ इस कदर बेबाकी से गुफ्तगू करने के बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। नाहिद के गरूर ने मुझे मेरे माजी की तरफ लौटा दिया था, वरना मुमकिन था कि मैं कभी वो फैसला ना कर पाता जिसने मेरी ज़िंदगी को फिर एक नई डगर पर डाल दिया था। उसे मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करना ही पड़ेगा। मैं बुड़बड़ाया और बेचैनी से दिन गुजरने का इंतज़ार करने लगा। नाहिद तंजीम के अमीर के साथ रात गई लौटी और खामोशी से मेरे बराबर बिछे हुए बिस्तर पर थोड़ी दूर खिसका कर सो गई। अमीर ने भी नमाज पढ़ी और बिस्तर पर दराज हो गए। कुछ देर बाद ही मैंने महसूस किया कि अमीर और नाहिद दोनों सो चुके हैं। मैंने हमजाद को तलब किया। आपने ये क्या गजब किया मुझे इस वक्त तलब करके? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अब इन सारी बातों से तंग आ गया हूँ। मैं खुद को बिल्कुल बेदस्तोपा महसूस करता हूँ। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप सुन तो लीजिए, इस तरह सारी बाजी पलट जाएगी। मुझे जब्बार के हमजाद के ताकुब में रहना पड़ता है हर वक्त। अब मुझे इस बाजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो करो, जो आपका हुक्म। नाहिद को बेहोश करो, सुबह तक इसकी आंख नहीं खुलनी चाहिए। मेरे हुक्म की तामील करने के लिए हमजाद मेरे बराबर वाले बिस्तर पर सोई हुई नाहिद की तरफ बढ़ा। फिर मुझे उसका साया नाहिद के चेहरे के करीब लहराता हुआ नजर आया। दूसरे ही लम्हे वो मेरी तरफ पलटा और बोला, अब ये सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जो फैसला मैंने आज दिन में किया था ये वक्त उसके पूरे होने का था। मैं वाकिफ था कि ये मगरूर और सरकश लड़की होशो हवास में तो कभी इस बात पर आमादा ना होगी। मैं महपारा के सिलसिले में एक बार चोट खा चुका था और अब दोबारा किसी कीमत पर उसके लिए तैयार ना था कि मैं तड़पता ही रह जाऊँ। अचानक मेरे कानों में धमाकों की आवाज़ आई। उसी वक्त कोई भागता हुआ मकान में दाखिल हुआ। मैं संभल भी ना पाया था कि अमीर हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने जागते ही लालटेन की लौ तेज कर दी। मेरे खाली बिस्तर पर नजर पड़ते ही वो चौंके और उसी वक्त उनकी नजरें मुझसे टकराईं। वो तो एक लम्हे के लिए मुझे उस हालत में देखकर जैसे सकते में आ गए। इतनी देर में मैंने खुद को संभाल लिया। इस अरसे में बाहर से आने वाला शख्स अमीर से कहने लगा कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया है। अमीर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मौके की नजाकत को महसूस करते हुए मैंने पूरा फायदा उठाया। मैंने बैसाखियां संभाली और कमरे की पिछली खिड़की अबूर करके मकान के पिछवाड़े कूद चुका था। मैं वाकिफ था कि जिस हालत में अमीर ने मुझे देखा है वो मेरे लिए बहुत ही मुसीबतें खड़ी कर सकता है। यकीनन मेरे इतने बड़े कसूर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा, इसीलिए जरूरी है कि मैं फरार हो जाऊँ। मैं तेजी से बैसाखियां टेकता हुआ अपनी पूरी कुव्वत जमा करके एक तरफ भागा जा रहा था। मुझे अपनी मंजिल मालूम थी क्योंकि मैं रास्तों से आगाह हो चुका था। धमाके अब भी पे दर पे सुनाई दे रहे थे और मेरे पीछे आने वाले लोग लम्हा बलम्हा मेरे करीब होते जा रहे थे। मेरी मंजिल एक करीबी पहाड़ी चश्मा थी ताकि मैं फौरन उसमें कूदकर खुद को हर आने वाली मुसीबत से महफूज कर लूं, क्योंकि पाक होने की सूरत में फौरन मैं हमजाद को तलब कर सकता था और हमजाद के आने के बाद मुझे कोई फिक्र नहीं थी। वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता। मुझे अब ना तो तंजीम मुजाहिदीन से कोई दिलचस्पी रही थी और ना इस माहौल से। मैं यहाँ से निकलना चाहता था। इस बात का फैसला मैं दिन ही में कर चुका था। पहाड़ी चश्मा मुझसे अब बमुश्किल 4-5 फरलांग रह गया था कि मुझे तंजीम के कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। जिल्लुर रहमान, रुक जाओ वरना मेरे हाथ में बंदूक है, तुम्हें अमीर के हुक्म से मैं गोली भी मार सकता हूँ। लेकिन उसकी धमकी कारगर साबित ना हुई।
जितनी देर में उसने ये फिक्रा अदा किया, मैं पहाड़ी चश्मे से कुछ और करीब हो गया। मैं तुम पर गोली चला दूंगा, तुम रुक जाओ। मगर उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले मैं चश्मे में कूद गया। मैंने एक डुबकी ली, मेरा सारा जिस्म भीग गया। मैंने पानी से अपना सर बुलंद किया और मैंने फौरन हमजाद को तलब किया, सबसे पहले इस शख्स के हाथ से बंदूक छीन लो और इसके बाद मुझे फौरन यहाँ से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा दो। हमजाद ने इसी तरह किया। कहाँ चलूँ? कहीं भी, कम अज़ कम एक रात आराम से गुजर सके। ये फैसला मैं सुबह करूँगा कि मैं किस शहर में रहना पसंद करूँगा। फिलहाल तो रात बसर करने के लिए इस पहाड़ी इलाके का कोई गार मुनासिब हो सकता है। सुबह आप जहाँ कहेंगे मैं आपको पहुँचा दूँगा। तुम जो मुनासिब ख्याल करो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर हमजाद मुझे एक गार में ले आया। हमजाद ने बताया कि इस गार में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। मैं बेधड़क गार में दाखिल हो गया। गैर जरूरी भाग दौड़ ने मुझे थका दिया था, इसलिए गार में पहुँचते ही मैं लेट गया। हमजाद भी मेरे करीब मौजूद था। मुझे मेरे हमजाद ने बताया कि जब्बार ने अपने हमजाद के मुतालिक अंग्रेज़ों को सब कुछ बता दिया है कि वो उससे क्या क्या काम ले सकता है। खैर अब जो भी हो, मुझे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ जब्बार से दिलचस्पी है। मैं समझता हूँ कि जब तक मैं उससे अपना इंतकाम ना ले लूँ, मुझे इस इलाके में रहना चाहिए। मैं उसे सिसका सिसका कर मारना चाहता हूँ। मैं अब उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा, मुस्तकिल मेरे लिए ख़तरा बना रहेगा। आप कतई सही सोच रहे हैं, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, कई मौके भी ऐसे आए थे कि आप उसे आसानी से ख़त्म कर सकते थे, मगर आपने खुद वो मौके खो दिए। पर अब कोई ऐसा मौका नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। मैं खिड़कियों और दरवाज़ों पर मौत की दस्तकें सुन रहा हूँ। ज़िंदगी का काफ़िला इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि निगाह नहीं ठहर पाती। मेरा कर बढ़ता जा रहा है और मेरे दिन कम होते जा रहे हैं। अब तक मैंने जो कुछ कहा, तुम लोगों ने जो कुछ सुना, वो मेरी इब्तदाई ज़िंदगी के सिर्फ चंद सालों की रौतात थी। तुम सब लोग कई दिन से मेरी पुरसरार, अजीब, नाकाबिले यकीन और काबिले नफ़रत सरगुज़िश सुन रहे हो, लेकिन अब मुझे कुछ खौफ सा महसूस होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ ना कह पाऊँ और वक्त ख़त्म हो जाए। इससे पहले कि मेरी सांसें उखड़ जाएँ, नब्ज़ें डूब जाएं, मेरी कुव्वतें गोयाई जवाब दे जाए, मैं पूरी शिद्दत और तेज़ी के साथ तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं ये देखकर खुश हुआ हूँ कि मेरी सरगुज़िश सुनने के दौरान कई बार तुम्हारे चेहरे पर नफ़रत के साए लहराए। तुम्हें मुझसे शदीद नफ़रत महसूस हुई होगी। मैंने किस तरह वफ़ादारों और जानिसारों के एतमाद को धोखा दिया। मैंने किस तरह खुद अपने लहू की तहरीर को झुठला दिया। किस बुजदिली के साथ नाहिद जैसी लड़की से मैंने अपनी तशना लबी को सैराब किया है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं बहुत बुरा था, बुज़दिल, बेवफा, धोखेबाज। मगर न जाने क्यों मुझे कभी कभी ये ख्याल ज़रूर आया है कि मैं जो कुछ था और जो कुछ बन गया, उसमें मेरा अपना दखल बहुत कम था। शायद मुझे समझा नहीं गया, शायद मुझसे मोहब्बत नहीं की गई, शायद मेरी महरूमियों को महसूस नहीं किया गया। मैं माजी की तरफ लौट रहा हूँ, माजी जिसके माथे पर मेरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब तहरीर है, और मैं ये तहरीर पढ़ रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। कल मैंने तुम्हें बताया था कि मैं फ़रार होकर अंग्रेज़ी हुकूमत की हदूद में दाखिल हो गया था और मैंने वहाँ एक गार में पनाह ली थी। मेरे दिल में जब्बार से इंतकाम लेने की आग तेज़ हो गई थी। ये इंतकाम बहुत भयानक था। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, ज़रा मेरे करीब आ जाओ। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, मेरी पलकों पर नींद का बोझ भरता जा रहा था। हमजाद अभी गार ही में मौजूद था ताकि जब्बार का मुझ पर कोई हमला कारगर ना हो सके। जल्द ही मैं सो गया। हमजाद की मौजूदगी में मैं हर किस्म के खतरे से बेनियाज था। बहुत दिन बाद बेफिक्री की नींद आई थी। अगर हमजाद मुझे बेदार ना करता तो मैं ना जाने और कितनी देर सोता रहता। एक और खतरा आपकी तरफ बढ़ रहा है, हमजाद ने मेरी तरफ देखा। इस खतरे से कबल अज़ वक्त आगाह करना मेरा फ़र्ज है, मैंने इसीलिए आपको बेदार किया है। फिर हमजाद ने मुझे खतरे की तफसील से आगाह किया। मेरे फरार होने के बाद नाहिद को होश में लाने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन वो रात को होश में ना आ सकी, और आती भी कैसे जबकि हमजाद ने उसे सुबह तक के लिए बेहोश किया था। सुबह होश में आकर जब उसे अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ और ये पता चला कि उसके साथ गुजरने वाली रात ने क्या सितम ढाए हैं, तो वो शिद्दत और जज्बात और गुस्से की इंतहा में तकरीबन नीम पागल सी हो गई। तंजीम के तमाम लोगों को मेरे फरार और नाहिद के साथ ज्यादती का इल्म हो चुका था। नाहिद की हालत देखकर खुद उनका खून भी खोल उठा। अब असल खतरे से मुझे हमजाद ने आगाह किया। हमजाद ने बताया कि अमीर ने मेरी तलाश और मेरी पुरसरार कुवतों से निमटने के लिए एक तारुकुद दुनिया बुजुर्ग की खिदमत हासिल कर ली थी, जो वहाँ की करीबी पहाड़ियों में सकून पजीर था।
हमजाद ने बताया कि उस शख्स के पास कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनके ज़रिए ना सिर्फ वो मेरा पता लगा सकता है बल्कि अगर वो चाहे तो तंजीम के अफराद से मुआवनत करके मेरे लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है। पर हमजाद, तुम्हारे ख्याल में इस खतरे से किस तरह निपटा जा सकता है? इसकी एक सूरत हो सकती है कि हम उस बुज़ुर्ग के दायरे असर से बाहर निकल जाएं, और ऐसा करने के लिए हमारे पास वक्त है क्योंकि अभी इस तरफ कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। इसका एक सबब यह भी है कि तमाम मुजाहिदीन हालत जंग में हैं, यानी तुम मुझे मैदान छोड़कर भागने की तरगीब दे रहे हो। मैंने सिर्फ मशवरा दिया है, वो भी आपकी हुक्म पर। अच्छी तरह समझ लो, शेख करामत ने पीठ दिखाना नहीं सीखा। मैं फैसला कर चुका हूँ कि जब तक जब्बार को उसकी सरकशी का मजा ना चखा दूँ यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मैं दोहरे खतरे से दो चार हूँ, लेकिन खतरों से खेलना ही तो मेरी ज़िंदगी है। तुम वाकिफ हो कि मैंने इंतहाई संगीन हालात में भी कभी शिकस्त कबूल नहीं की। मैं तो हर नफ्स और हर लम्हा, मुसरतों में बसर हो या दुखों में, उसमें आपका शरीक हूँ। मेरा और आपका वजूद एक है, बिल्कुल इस तरह जैसे फूल और खुशबू, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस्म और साया। हमारे दरमियान जो अहद है वो कभी और किसी हालत में शिकस्त नहीं होगा, और इसी अहद की रूह से आपका हर हुक्म मानने का मैं पाबंद हूँ। अच्छे या बुरे नतायज की जिम्मेदारी मुझ पर भी इतनी ही आयद होती है जितनी आप पर, लेकिन मेरी हदूद मुकर्रर हैं जिनसे तजावज करने की जसारत ना मैंने कभी की है और ना आइंदा करूँगा। मैं कदम कदम पे आपके साथ हूँ, ख्वाह आप कहीं भी रहना पसंद करें, हमजाद ने मुझे कहा। मुझे उसके लहजे से वफादारी की खुशबू महसूस हुई। अपनी तमाम कुव्वतें बरोएकार लाकर कोशिश करो कि जब तक जब्बार अपनी सजा को ना पहुँच जाए वो तारकुद दुनिया बुजुर्ग हमसे ना उलझ सके। ये किस तरह मुमकिन है, इस बात को मुझसे ज्यादा तुम बेहतर तौर पर समझते हो। शायद तुम्हें इल्म हो कि मेरी रूह कितने अजाब में गिरफ्तार है। वो जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो जो कुछ भी नहीं था मैंने उसे सब कुछ बना दिया। उसने ना सिर्फ मेरे रूबरू आंख उठाने की जुरत की बल्कि मेरे दुश्मनों से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की। मैं उसे यूं माफ नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर के बाद हमजाद वहां से चला गया। वो मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर गया था। खाने से फरागत पाकर मेरा दिल चाहा कि कुछ देर खुली फिजा में सांस लूं, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए गार से बाहर निकल गया। गार में अंधेरा फैलते ही हमजाद लौट आया। अभी हमारे पास दो रातें बाकी हैं। उस तारिक को दुनिया बुजुर्ग ने 40 घंटे का चिल्ला खींचा है। चिल्ला पूरे होने के बाद वो अमीर को आपके बारे में सही सही मालूमात फराहम कर सकेगा। वो आपकी तलाश और आपसे निमटने के सिलसिले में तंजीम के साथ पूरी पूरी मुआवनत करने पर आमादा है, यहाँ तक कि वो बजाते खुद आपके मुकाबले पर आने को तैयार हो चुका है। तो अभी दो रातें बाकी हैं, और ये दो रातें जब्बार से इंतकाम लेने के लिए काफ़ी हैं। जब्बार के बारे में तो मुझे गालिबन कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप खुद सब कुछ अपनी तसव्वुराती आंखों से देख चुके हैं कि वो क्या क्या कर रहा है। वो इस वक्त अपने खेमे में गहरी नींद सोया हुआ है। मेरे ख्याल से ये मौका गनीमत है, अगर आप हुक्म दें तो इस किस्से को ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, ये किस्सा अब ख़त्म हो ही जाना चाहिए, मगर इस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रहे हो। उसे इतनी आसानी से नहीं मरने देना चाहिए। उसे इसी हालत में यहाँ उठा लाओ। यहाँ से मेरी मुराद ये पहाड़ियाँ, ये दर्रे, चट्टानें और पथरीले रास्ते हैं। फिर उसके बाद मेरी समात ने मुझे वो खुशखबरी सुना दी जिसका मैं एक मुद्दत से मुंतजर था। हमजाद ने मेरे हुक्म की तामील की। वो गार के बाहर सामने वाली चट्टान पर खौफजदा और हैरानो परेशान खड़ा है। क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे? हाँ, मुझे वहाँ ले चलो। हमजाद मुझे गार से बाहर ले आया। चांदनी रात में एक साया सामने वाली चट्टान पर नजर आया। अगर इसे चट्टान से नीचे धकेल दिया जाए तो वो मरेगा। ऐसा मुमकिन है क्योंकि चट्टान काफी बुलंद है, मगर तुम ऐसा नहीं होने दोगे। उसे चट्टान से नीचे गिरने तक सिर्फ इतनी चोटें आनी चाहिए कि वो ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि अपने पैरों पर भी खड़ा हो सके। ऐसा ही होगा, तो फिर जाओ। जब्बार को तो जैसे सकता हो गया। इस आलम में हमजाद उसके करीब पहुंच गया। हमजाद के हाथ को हरकत हुई और दूर दूर तक पहाड़ियां जब्बार की चीख से गूंज उठी। जब्बार का जिस्म बुलंद चट्टान से नीचे लड़क रहा था। मैंने हमजाद का साया भी उसके जिस्म के साथ साथ मुतहरिक देखा। जब्बार का जिस्म मुझसे चंद कदम के फासले पर आके गिरा। उसका पूरा चेहरा लहू लहान नजर आ रहा था। वो जख्मों की शिद्दत से चूर चूर पूरी तरह चीख रहा था। यहाँ तुम्हारी फरियाद और चीख सुनने वाला कोई नहीं। तुम्हारे दोस्त इस वक्त मीठी नींद सो रहे होंगे। मेरे दोस्त? मेरी आवाज़ सुनते ही तो जब्बार के जिस्म पर जैसे बिजली गिर पड़ी। इस कदर घबरा गए कि तुम्हें याद भी नहीं कि इस हालत में तुम्हारा हमजाद तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता। तुम नापाक हो। शेख, मुझे माफ़ कर दो। जब्बार, मौत के खौफ ने तेरे हवास गुम कर दिए। इस पर पत्थर बरसाओ, इसे तड़पाओ, सिसकाओ, इन पथरीले रास्तों से इसके जिस्म को घसीटो और इसे मरने मत दो। जब्बार के जिस्म पर पत्थर बरसे,
मेरे सामने उसे चट्टानों से धकेला गया, ऊंचे ऊंचे खुरदरे और सख्त पथरीले रास्तों पर उसके लहू लहान जिस्म को घसीटा गया। पहाड़ियां उसकी दिलदोज चीखों से लरसती रहीं। वो कई बार बेहोश हुआ, मगर हमजाद उसे फिर होश में ले आया। सुबह होने तक मेरी आंखें ऐसी ही मंजर देखती रहीं। जब सूरज पूरी तरह तुलू हो गया तो मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि जब्बार के जख्मी जिस्म को किसी गार में छुपा दिया जाए, क्योंकि रात भर के इस अजियतनाक तमाशे ने मेरे असाब को थका दिया है। जब्बार की किस्मत का फैसला मैं आइंदा रात पर छोड़ देता हूँ। दूसरी रात फिर वही सब कुछ दोहराया गया। जब्बार की चीखें मध्यम पड़ चुकी थीं, उसमें बराए नाम जान बाकी थी। चेहरा मस्क होकर इंतहाई भयानक हो गया था। उसके जिस्म पर कपड़ों की जगह खून में तरबा तर चीथड़े लपटे हुए थे। जिस्म की खाल और गोश से जगह जगह खून रिस रहा था। अब इसके जिस्म में मजीद ताकत नहीं कि इसे जिंदा रखा जा सके, हमजाद ने कहा। इसे यहाँ से उठाकर ऐसी जगह फेंकाओ जहाँ दरिंदे इसके जिस्म के साथ इंसाफ कर सकें। रात का आखिरी पहर था और मेरी कैफियत किसी ऐसे शख्स की सी थी जो तेज तूफानों से गुजर कर आया हो। मेरे कानों में जब्बार की चीखें गूंज रही थीं। मेरी आंखों में वो मंजर घूम रहे थे जब जब्बार पर तशद्दुद किया जा रहा था। चंद लम्हों के लिए तो मुझे अपने वजूद से शर्म सी महसूस हुई और मैं बुड़बुड़ाया, ये क्या दरिंदगी है, क्या वहशत थी, कहीं मैं इंसान से दरिंदा तो नहीं बन गया हूँ। इंतकाम की आग सर्द हो चुकी थी और अब मैं अजीब से तासुफ, शर्मिंदगी और दुख में मुब्तला था। हमजाद जब्बार के जिस्म को ठिकाने लगाकर लौट आया था। क्यों, क्या आपको नींद नहीं आ रही? हाँ, मैं सोना चाहता हूँ मगर नींद नहीं आ रही, मुझे सुला दो। हमजाद मेरे करीब आया, उसने अपनी कनपट्टियों पर दबाव महसूस किया और मेरा जहन पुरसकून होता चला गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म को रस्सियों में जकड़ कर बल दिए जा रहे हों। मुझे अपना जोर जोर अलग होता महसूस हुआ। फिर एक वहशतनाक कहके ने मेरे सारे हवास झंझोड़ कर रख दिए। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी और फिर मैं पलके झपकाना तक भूल गया। कहका फिर गूंजा, महपारा। एक रोशन और चमकीला हिवला मेरे रूबरू था, सर ता पा सफेद, सर ता पा रोशन, और उस हिवले के कदोखाल इंसानी थे। क्यों, आखिरकार अकेले रह गए ना? जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। शेख, तुम्हें सकता क्यों हो गया, डर गए मुझसे? तुम तो बहुत बहादुर थे, बोलो बोलो। उसी वक्त मुझे अपने जिस्म में ऐठन सी महसूस हुई। मेरी नज़र जिस्म पर पड़ी, मेरे तमाम जिस्म पर सांप लिपटे हुए थे। मेरी रूह कांप उठी। हमजाद, मैं चिल्लाया। मेरी मौजूदगी में उसकी इतनी जुरत नहीं कि वो गार में दाखिल हो सके। जिस्म की कैद से आज़ाद होकर अब मैंने कुछ और रूहानी कुवतें हासिल कर ली हैं, जिनके सामने अब तुम्हारी कोई पुरसरार कुवत नहीं ठहर सकती। मगर डरो नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने नहीं आई, क्योंकि ये काम अब मेरे लिए बहुत मामूली है। शायद तुम्हें ये जानकर ताजुब हो कि तुमसे इंतहाई नफरत के साथ साथ मैंने मोहब्बत भी की है, वो मोहब्बत जो एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से होती है। मेरी बातें तुम्हें अजीब तो लग रही होंगी ना, मगर इन्हें समझने की कोशिश करो तो समझ भी सकते हो। मैं जब जिंदा थी तो तुम्हारे सिवा किसी ने मेरे साथ सरकशी करने की जरूरत नहीं की। कोई भी मेरी पुरसरार कुवतों को शिकस्त ना दे सका, वो तुम थे, सिर्फ तुम, कि तुमने मुझे शिकस्त दी। और जिस दिन मैं तुमसे हार गई, उस दिन मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस की। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत भर गई। मैंने अपनी जान से गुजर कर अपनी आन को बचा लिया और इस तरह जीत को भी हार में बदल दिया। महपारा का हिवला मेरे और नज़दीक आ गया। कोशिश फजूल है, इस अजियत से तुम नहीं बच सकते। ये सांप उस वक्त तक तुम्हारे जिस्म से लिपटे रहेंगे जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। शेख, तुम इस मुसर्रत का अंदाजा नहीं कर सकते जो इस वक्त मुझे तुम्हें तकलीफ में मुब्तला देख के महसूस हो रही है। तड़पो और चीखो, चिल्लाओ, इस तरह मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और हाँ, तुम्हें मुझसे इश्क भी तो था ना? क्यों, था ना? महपारा की रूह ने मेरी तरफ चुपती हुई नजरों से देखा। जिस्मानी अजियत अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म फट पड़ेगा। सांपों की गिरफ्त तंग से तंग होती जा रही थी। मेरे होंठों से कराहें और सिसकियां उबलने लगीं। तुम इस वक्त मुझे कितने अच्छे लग रहे हो, महपारा के जहर में भुजे हुए अल्फाज मेरी समाज से टकराए। जिस्मानी आलाइशों से पाक होने और रूहानी रियासतों में मुझे शायद ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब मेरे पास वो जिस्म तो नहीं रहा जिससे तुम्हें इश्क था। हाँ, उसका अक्स जरूर है और तुम इस अक्स से इश्क कर सकते हो ना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर तुम्हें तो कराहों और सिसकियों से ही फुर्सत नहीं कि मेरे वजूद की रोशनी महसूस करो। महपारा मेरी रूह में नश्तर चबोती रही।
मैं दोहरी अजियत में मुब्तला था, जिस्मानी भी और रूहानी भी, लेकिन उसके बावजूद महपारा के कयामत खेज जिस्म के होले ने मेरे वजूद पर एक नशा सा तारी कर दिया था और शायद उसी नशे का असर था कि मैं इंतहाई तकलीफ भी किसी तरह बर्दाश्त कर रहा था। मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हारे जिस्म से पूजने की हद तक इश्क किया, मगर तुमने मेरे जज्बात को ठुकरा दिया, मेरी अना को मजरूह कर दिया। और आह, मैं बमुश्किल पहली मर्तबा चंद अल्फाज अदा कर सका, लेकिन अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। मसालेहत की कोशिश मत करो शेख, जो गुजर गया सो गुजर गया। एक बहादुर इंसान की तरह अपने दोस्तों और दुश्मनों को कबूल करो। महपारा ने मेरी रूह पर एक और कारी ज़र्ब लगाई। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ होंठों पर आकर कराह में तब्दील हो गए। मैं बेबसी से महपारा के रोशन हियोले को देखता रहा। हियोले के होंठों में फिर हरकत हुई। शेख, तुम मेरे काबिले इज्जत दुश्मन हो, तुम दुश्मनी में मुझे कभी छोटा महसूस नहीं करोगे। मेरी आंखें तुम्हारे मुस्तकबिल में झांक रही हैं। तुम दुश्मनों में घिरे होने के बावजूद दुश्मनों पर हावी हो, मगर अब ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारा दुश्मन है मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारे दुश्मनों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी, मगर सिर्फ इस हद तक कि तुम्हारी जान पर ना बन जाए। अगर तुम मर गए तो मैं किसे सताऊंगी, किसे तड़पाऊंगी? मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी और सुकून के साथ जीने भी नहीं दूंगी। घबराओ मत, मैं छोटे मोटे आजार देने नहीं आऊंगी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि अब तकलीफ तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, इसलिए जा रही हूँ। और कब लौटूंगी ये तुम्हें नहीं बताऊंगी, ताकि तुम्हारे हवास पर मेरा खौफ मुसल्लत रहे। जहाँ तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़े, समझ लेना कि महपारा अपनी दुश्मनी का हक निभा रही है। तुम्हारा हमजाद तुम्हारे फराक में बहुत देर से परेशान है और इस दौरान कई बार वो गार में दाखिल होने की कोशिश कर चुका है, मगर उसकी कोशिशें नाकाम गईं। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद अजाब में मुब्तला रहे, क्योंकि तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश में उसका जिस्म खासा झुलस चुका है। इन अल्फाज के ख़त्म होते ही हियोला बुझ गया और दिन की रोशनी के बावजूद मुझे चंद लम्हे के लिए गहरी तारीकी का एहसास हुआ। फिर फुनकारों और सरसराहटों की गूंज सुनाई दी। मेरे जिस्म से जैसे रस्सियों के बल खुलने लगे। जब सारे बल खुल गए तो मेरे जहन पर नीम बेहोशी सी तारी हो गई। सारे जिस्म पक्के फोड़े की तरह दुख रहा था। इसी कैफियत में मैंने हमजाद को गार में दाखिल होते देखा। मैंने नीमवा आंखों से देखा कि उसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे हैं और उन हरकतों के साथ साथ मेरी जिस्मानी तकलीफ कम से कम होती जा रही थी। वो सिर्फ चंद लम्हे थे जिनमें हमजाद मुझे दर्द के सहरा से सकून और करार के गुलस्तानों में खींच लाया था। मुझे एक ऐसी राहत का एहसास हुआ जो उससे पहले मैंने महसूस नहीं की थी। ये वक्त सोने का नहीं, जागने का है। 40 घंटे पूरे हो चुके हैं। 40 घंटे? तारुकु दुनिया बुजुर्ग का चिल्ला पूरा हो चुका है और बस अब थोड़ा सा वक्त बाकी है। इस दौरान आपका होशो हवास में रहना जरूरी है। वो इस गार का पता लगा चुका है। इससे पहले कि आप यहाँ से फरार हो जाएं, वो आपके लिए रास्ते बंद कर देना चाहता है, लेकिन मेरे होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकेगा। उठिए, कहाँ? हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी है, हमजाद ने कहा और फिर मेरे जिस्म को अपने बाजुओं में उठाया और तैरते हुए गार से निकल गया। हमजाद अभी 2-3 पहाड़ियाँ भी अबूर ना कर पाया था कि मैंने अपने जिस्म में गर्मी की शदीद लहर महसूस की, जैसे मेरे जिस्म को दहकते हुए अंगारों में फेंक दिया गया हो। उसी वक्त हमजाद पलटा। अब उसका सफ़र मुखालिफ सिम्त में था। उसके पलटते ही गर्मी की लहर ख़त्म हो गई। मुखालिफ सिम्त में कुछ फासले तय होते ही एक बार फिर मैं इसी तजर्बे से गुजरा। हमजाद फिर पलटा। अब उसका रुख तीसरी सिम्त हुआ। हमजाद काफ़ी देर तक मुझे लिए मुख्तलिफ पहाड़ियों के दरमियान भटकता रहा। उसके सफ़र में इतनी तेज़ी थी कि मैं उस दौरान उससे ये भी ना पूछ पाया कि ये सब क्या माजरा है, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मामला संगीन और पुरअसरार है, लेकिन मैं उसकी नौयत से बेखबर था। फिर गालिबन हर तरफ से मायूस होकर हमजाद एक चट्टान के साए में उतर गया। उसके झुलसे हुए चेहरे से परेशानी का इजहार हो रहा था। हम घिर चुके हैं, लेकिन ये काम सिर्फ उसका नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? आखिर इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे यकीन है कि मैंने इसके बारे में गलत अंदाज़ा नहीं लगाया था। उसकी कुव्वतों से निमटना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ, उस दुश्मन कल्बो जहाँ का जिक्र करो, कह दो जो कुछ कहना चाहते हो। झिझको मत, मुझे तुम पर एतमाद और भरोसा है। तुम्हारी राहें बंद करने वाला वो तारुकु दुनिया शख्स नहीं। तुम यही कहना चाहते हो ना कि महपारा की रूह शख्स की मदद कर रही है? हमजाद ने मेरा सवाल सुनकर अपने सर को झुका दिया। उसकी बेबसी पर मुझे तरस आया। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस तमाम मामले में तुम बेकसूर हो।
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहते हुए इतने अजाबों से गुजर चुका हूँ कि अब मेरी नज़र में मौत और ज़िंदगी के कोई मायने नहीं। मौत बहरहाल आनी है और इसका एक दिन मुकर्रर है। मैं जानता हूँ कि मैं उस मुकर्रा वक्त से पहले नहीं मरूँगा। मुझे हालात से आगाह करो, मुमकिन है मैं तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकूँ। शायद मेरी वजह से तुम खुद भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हो जिसने तुम्हें इस कदर फिक्रमंद और हरासा कर दिया है। मैं हरासा नहीं हूँ, हाँ फिक्रमंद ज़रूर हूँ, और फिक्रमंद अपने लिए नहीं आपके लिए हूँ। अगर मेरे मुकाबले पर सिर्फ वो तारकु दुनिया शख्स होता तो मैं उसका हिसार तोड़कर निकल जाता। मुझे उसकी कुव्वतों का अंदाज़ा था, इसीलिए तो आपको लेकर मैं गार से निकला था। वो इतने बड़े रकबे ज़मीन को अपने हिसार में लेने पर कादिर नहीं हो सकता। हिसार के जिक्र पर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे गर्मी की शदीद लहर याद आ गई। अब मैं किसी हद तक हालात को समझ चुका था। मुझे और हमजाद को यहाँ कैद कर दिया गया है और ये कैद यकीनन बेमकसद बेजरर नहीं हो सकती। इसके पीछे कोई मंसूबा है। मैं अभी उनकी दस्तरस से बाहर हूँ। हमजाद की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं तन्हा इस हिसार को अबूर कर सकता हूँ, मसला सिर्फ आपका है। अगर आपने इस हिसार को अबूर करने की कोशिश की तो आपका जिस्म जल जाएगा, जिसका मामूली सा तजर्बा आपको हो भी चुका है। अगर वो मुझे यहाँ कैद रखना चाहते हैं तो यकीनन उसका कोई ख़तरनाक मकसद भी है। कतई, असल में मुजाहिदीन फौरी तौर पर आपसे इंतकाम लेने यहाँ नहीं पहुँच सकते, इसीलिए आपकी फ़रार की राहें बंद कर दी गई हैं। मुजाहिदीन ये भी चाहते हैं कि वो खुद अपने हाथों से आपको कत्ल कर सकें। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक है, फिर तुमने क्या सोचा? सिर्फ यही सूरत है कि उन्हें यहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए, और ऐसा मुमकिन है। अगर कुछ और इम्कान में ना हुआ तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना कि उन्हें पहाड़ियों में भटकने पर मजबूर कर दूँ और वो रास्ता भूल जाएं। अब नाहिद की क्या हालत है और जंग किस मरहले में है? नाहिद की वहशत पहले से कम हो चुकी है। वो जहनी सदमे के असर से तो किसी हद तक निकल चुकी है, मगर अब उस पर इंतकाम का भूत सवार हो गया है। वो बजिद है कि तन्हा आपसे इंतकाम लेने रवाना हो जाए। जंग भी अपने आखिरी मरहलों में है। अंग्रेज़ों का पल्ला भारी होता जा रहा है। मुजाहिदीन पीछे हट रहे हैं। इस सूरतेहाल ने अमीर को बौखला दिया है। फिर हमजाद ने कहा कि मैं खतरे की भूत सूंघ रहा हूँ। चंद लम्हे बाद उसने आंखें खोली। वो लोग रवाना हो चुके हैं और उनके हमरा नाहिद भी है। तो फिर इसमें फिकर की क्या बात है, ये तो हस्बे तवक्का है। तुम अपने मंसूबे के मुताबिक रवाना हो जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नाहिद की रवानगी से तो मैं भी बौखला गया, लेकिन अब हौसला हारने से कुछ नहीं हो सकता था। मैंने जहनी तौर पर खुद को हर तरह के हालात से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार कर लिया था। मुश्किल तो यही है कि मैं अब आपको यहाँ तन्हा छोड़कर भी नहीं जा सकता। हम दोहरी साजिश का शिकार हो चुके हैं। कुछ देर बाद अंग्रेजी फौज भी आपकी तलाश में यहाँ पहुँचने वाली है, जो करीबी सरहदी इलाकों में मौजूद थी। अंग्रेजी फौज यहाँ पहुँचने वाली है, मगर किस तरह? उसे ये इतला किसने दी कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अंग्रेज़ों को आपके खिलाफ हरकत में लाने वाली सिर्फ एक ही हस्ती हो सकती है, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी मुराद महपारा से है। आखिर वो चाहती क्या है? क्या वो मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून का सांस लेने नहीं देगी? वो तो अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। वो इस तरह मुझे यहाँ उलझाना चाहती है ताकि मैं नाहिद की राह खोटी ना कर सकूँ। लेकिन इसके लिए वो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकती थी। वो तुम्हें किसी भी तरह रोक सकती थी। अंग्रेजी फौज को मेरे पीछे लगाने की क्या जरूरत थी? उसका इनसार उसकी मर्जी पर है कि वो क्या तरीका इस्तेमाल करती है और क्यों। मुमकिन है इस तरह वो अंग्रेजों को आपकी तरफ से चौकन्ना भी करना चाहती हो। अव्वल तो मुजाहिदीन का अंग्रेजी हुकूमत की हदूद में दाखिल होना ही खतरनाक है। सरहदी फौज की तवज्जो आपकी तरफ मबजूल होने और आपकी तलाश में यहाँ सरगर्दा रहने से खुद मुजाहिदीन को फायदा है। फौज के यहाँ पहुँचने में क्या अभी कुछ देर बाकी है? जी नहीं, वो इन हदूद में दाखिल हो चुकी है। हिसार के बावजूद? जी हाँ, क्योंकि वो हिसार उनके लिए बेकार है। उसका असर सिर्फ आप तक महदूद है, क्योंकि वो आपके लिए कायम किया गया है। फिर तुम इस कदर सुकून और इत्मीनान से क्यों बैठे हो? मुझे कहीं छुपा क्यों नहीं देते? इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे होते हुए वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। हम किसी गार से ज़्यादा यहाँ महफूज हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से उठना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर में ही भारी कदमों की आवाज़ें हर तरफ से सुनाई देने लगीं। मैं घबरा गया। उन्होंने क्या मुझे चारों तरफ से घेर लिया है? ऐसा नहीं है, बल्कि वो लोग टुकड़ियों में तकसीम होकर हर तरफ फैल रहे हैं। वो रहा, कोई चीखा, फिर हर तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज़ें करीब आती गईं। क्या कर रहे हो तुम? मैंने हमजाद की तरफ देखा, जो आँखें बंद करके कहीं खोया हुआ था। फौजी चीखते हुए मेरी तरफ भागते चले आ रहे थे। उनके और मेरे दरमियान फासला कम होता जा रहा था।
फिर खुदा जाने किसी फौजी को क्या सूझी कि उसने भागते भागते पोजीशन लेकर फायर कर दिया। फिर तो जैसे सभी पर जुनून सवार हो गया। वो सब भागते भागते तकरीबन 50 गज के फासले पर रुक गए। फिजा पे दर पे धमाकों से गूंज रही थी। कुछ देर तो फौजियों को ये होश ही ना आया कि उनकी गोलियों का क्या हशर हो रहा है। फिर शायद उनमें से किसी ने इस अजीब मंजर को देख लिया कि उनकी गोलियां चट्टान के करीब पहुंचते पहुंचते अपना रुख तब्दील कर लेती हैं। हमजाद के होंठों पर बड़ी मायनी खेज मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि तमाम फौजी यहाँ इकट्ठे हो जाएं, एकदम भाग खड़े हों, कुछ तमाशा जरूरी है। हमजाद के लहजे में सफाकी थी। वो मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। फिर मेरी आंखों ने वो खूनी तमाशा देख लिया जिसकी तरफ हमजाद ने इशारा किया। फौजी जिस जगह पोजीशन लिए हुए थे उसके बिल्कुल करीब एक छोटी सी पहाड़ी थी। एक लम्हे के लिए मैंने हमजाद को उसके गिर्द चकराते देखा। फिर एक बहुत जोर का धमाका सुनाई दिया और पहाड़ी के टुकड़े उड़ गए। एक कोहराम और चीखो पुकार मच गया। पूरी पहाड़ी फौजियों पर आ गई और जो उसकी जद से बच गए थे वो चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। पत्थरों के नीचे दबे हुए चीखते कराते फौजियों पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे तो झुरझुरी सी आ गई। मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो, मैं ये मंजर नहीं देख सकता। मैं आपको लेकर इस रकबे जमीन से बाहर नहीं जा सकता जिसके इतराफ हिसार खींचा हुआ है। हाँ, ये मुमकिन है कि किसी और करीबी पहाड़ी या चट्टान तक पहुंचा जा सके। चलो कहीं भी चलो, मगर ये मंजर मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। मैं आपके एहसास को समझ रहा हूँ। ये कहते हुए मुझे हमजाद ने उठाया और तेजी से एक पहाड़ी की तरफ बढ़ा। हमजाद ने मुझे एक हमवार जगह बिठा दिया। आस पास खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई थी। अब क्या मामला है, ये कैसी आवाजें हैं, मैंने हमजाद से पूछा। ये फौजियों का दूसरा दस्ता है जो आपको डराने के लिए फायरिंग कर रहा है। वो लोग अब इस पहाड़ी का मुहासरा कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन है हमजाद के कश्तो खून की नौबत ना आए? ऐसा ही होगा, वो इस पहाड़ी पर चढ़ ही नहीं सकेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ देर के लिए आपसे जुदा होना पड़ेगा। जाओ। हमजाद के जाते ही मैंने अजीब सा शोर सुना, जैसे बैक वक्त सैकड़ों दरिंदे चीखने लगे हों। फिलहाल वो खौफजदा होकर भाग खड़े हुए हैं, हमजाद ने मुझे बताया। फिर उन्हीं हंगामों में सूरज डूब गया। दिन भर हमजाद ने फौजियों को थका थका कर निढाल कर दिया। जो जिंदा बच गए थे वो शाम होते होते खौफजदा होकर फरार हो गए। अब हर तरफ एक बोझल बोझल सी खामोशी थी। हमजाद मुझे दोबारा गार में ले आया जहां मैं कई दिन से छुपा हुआ था। अब मैं जा रहा हूं, आप आराम कीजिए। कहाँ? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, अभी कुछ वक्त बाकी है। नाहिद, तारुकुद्दुनिया शख्स, अमीर और दूसरे मुजाहिदीन यहाँ से अभी तकरीबन 2 मील के फासले पर है। रास्ते ही में उनसे क्यों ना निमट लिया जाए। जाओ, जो मुनासिब समझो वो करो। तन्हाई मिलते ही मेरा जहन गुज़िश्ता वाकयात की भूल भुलाइयों में उलझने लगा। फिर मेरे दिल में उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने आंखें बंद करके नाहिद और अमीर का तसव्वुर किया, क्योंकि मेरे इल्म में था कि वो शख्स उन्हीं लोगों के हमराह होगा। मेरे तसव्वुर की सतह पर नाहिद का चेहरा उभरा, गैज़ो गज़ब में डूबा हुआ चेहरा। फिर मैंने अपने तसव्वुर का दायरा वसी किया और मैं चौंक गया। नाहिद अकेली नहीं थी। चौंको मत शेख, इसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे दूसरा जहनी झटका लगा। ये आवाज 100% महपारा की थी। मैंने चमकीला गुबार नाहिद के घोड़े के साथ देखा। तुम्हारा हमजाद तारुकुद्दुनिया शख्स अमीर और दूसरे लोगों को भटकाने में कामयाब हो चुका है, और अगर मैं दरमियान में ना आती तो मुमकिन था कि नाहिद भी कभी तुम तक पहुंचकर अपने इंतकाम की आग ना बुझा पाती। सोचो, इस मासूम लड़की पर तुमने कितना जुल्म किया है। तुम्हें इस जुल्म की सजा ना मिलना नाइंसाफी है। मैं समझती हूँ कि एक कमज़ोर और बेसहारा लड़की से मुकाबला करने के लिए तुम्हें अपनी पुरसरार कुवतें बरोएकार लाने की जरूरत नहीं। एक गैरतमंद और बाज़मीर शख्स की तरह जीना सीखो। मैं तुम्हारे और नाहिद के दरमियान सिर्फ इस हद तक दखल दूंगी कि वो तुम तक पहुंच जाए और तुम्हारा हमजाद दरमियान में ना आ सके। मैं एक सहरज़दा शख्स की तरह सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा, जैसे इस तमाम वाक़े का मुझसे कोई ताल्लुक ना हो। मैंने महपारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि मेरे इल्म में था कि जिस तरह महपारा अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कुव्वत रखती है वो मेरी बात भी सुन सकती है। मेरे जहन में हमजाद का ख्याल आया और मैंने आंखें खोलकर सिलसिला तसव्वुर मनकता कर दिया ताकि दोबारा हमजाद का तसव्वुर करके उससे रब्ता कायम कर सकूं। मैंने आंखें बंद की और हमजाद का तसव्वुर करने लगा। मैंने एक खनकता हुआ कहका सुना और उस कहके का जहर मेरी समात में उतरता चला गया। महपारा, जालिम, मैं बुड़बुड़ाया।